क्रैकिंग हो गई? हाँ। सुनीता कैसी है? मुझे नहीं पता। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मुझे कुछ भी नहीं पता। प्लीज जीना, मुझसे मत पूछो। नसीर, यकीन मानो, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। सीनत, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाएंगे जिनका मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने आप को संभालने में दिक्कत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। जीनत, प्लीज प्लीज हेल्प मी। जीनत प्लीज। नसीर, अगर तुम चाहो तो हम कुछ दिनों बाद बाहर चले जाएंगे। मेरी नूर के पास कुछ ही दिन है और इन चंद दिनों में मुझे उसे जमाने भर की खुशियां देनी है। और सुनीता, मुझे नहीं पता। उसके बगैर रह सकोगे? हमें देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। क्या तुम ऋषभ के साथ काम करते हो? क्यों, काम करना का गुनाह है क्या? गैर कानूनी काम करना गुनाह। सब लोग जानते हैं ऋषभ गैर कानूनी काम करता। सब जानते हैं तो पुलिस भी जानती होगी। आप गिरफ्तार करने कर लेते? कानून की मजबूरी होती है, उसे सबूत की जरूरत होती है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि सबूत के बगैर किसी को गुनहगार कहना भी गुनाह है। लेकिन देखिए, मैं इसके बारे में और कुछ बात नहीं करना चाहता। बड़ा सही मौका चुना आपने इंस्पेक्टर का। प्रणाम इंस्पेक्टर साहब। सुमन, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, पूरा घर खुला था बोल रहे हैं और वो सड़क पे पहुंचे कैसे हो? क्यों सब, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर, द्वारका नाथ जी आ गए। शिवम, शिवम, मुझे पता चला सुनीता बेटी का एक्सीडेंट हो गया। कैसी है वो? द्वारका अंकल, अभी तक कुछ पता नहीं, अभी अभी ऑपरेशन खत्म हुआ, अंदर ही। लेकिन ये सब हुआ कैसे? किसी को कुछ पता नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लगता अभी बाहर आएगी हंसते हंसते और कहेगी डरा दिया ना भाई। शुभ बेटे, हौसला रखो।
सब ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी सुनीता को इस हाल में देखकर, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, सुनीता को कुछ नहीं होगा। ओम कहाँ है? वो यहां नहीं आया? नहीं, यहीं पर है। ओम सुन, जी भैया। ओम द्वारकांकर, नमस्ते। बहुत छोटे थे तुम जब मैंने तुम्हें देखा था, आज इतने सालों के बाद मुलाकात हुई, वो भी इन हालात में। मिस्टर ओम कपूर, बधाई हो, ऑपरेशन कामयाब रहा एंड एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन फिर भी जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता कुछ भी कहना मुश्किल है। क्या मतलब है डॉक्टर साहब? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि हमने तो अपना काम पूरा किया है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन पेशेंट के होश में आने पर उसके दिमाग पर किसी भी किस्म का दबाव खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग यहाँ इकट्ठा मत होइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ऑपरेशन कामयाब हुआ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। शंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब चलिए छोड़ देते। जी नहीं, शुक्रिया, मेरे पास अपनी जीप है। थैंक यू। अच्छा शुभम, मैं भी चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मैं आता हूँ नीचे। रुको तो। नहीं, मैं भैया बिना घर क्यों नहीं छोड़ देते? मैं कौन है? सुमन, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। नहीं, रात बहुत हो गई, मैं छोड़ देता हूँ। आ जाओ। बस बस, थैंक यू, सी यू। सर आप यहीं से कहां जाएंगे? अंदर चलिए ना घर में। नहीं, बहुत रात हो गई है। तो इतनी रात गए आप हॉस्पिटल से मुझे घर छोड़ने आए हैं, अंदर आइए ना। फिर कभी सुमन, अभी सर आप बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। अंदर चलिए, पानी पीजिए, फिर चले जाइए, आपको अच्छा लगेगा सर। ओके, ठीक है। आइए सर, आइए ना। आइए सर, बैठिए। कौन है बेटी? बाबा, ये शिवम सर हैं, मेरे कंपनी के डायरेक्टर और मेरे बॉस, ये मेरे बाबा हैं। अच्छा, नमस्कार। नमस्ते बेटा, बैठो बेटा, बैठो बैठो। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ सर। जी, इस वक्त आपको तकलीफ थी उसके लिए माफी चाहता हूँ। देखो बेटा, अगर तुम मेहमान बनकर आए हो तो
मेहमान की खातिरदारी तो हमें करनी पड़ेगी, और अगर तुम अपने बनकर आए हो तो फॉर्मेलिटी की कोई बात ही नहीं है। अब तुम ही तय कर लो कि तुम क्या बनकर आए हो। जी, फॉर्मेलिटी करना तो बेवकूफी होगी। ये हुई ना बात। अब क्या नाम बताया तुमने? शिवम, शिवम कपूर। बंबई के रहने वाले हो? उफ़ो बाबा, एक बार आप शुरू हो जाते हैं तो रुकते ही नहीं है। पहले इन्हें चाय के लिए तो पूछ लो। कैसी बातें करती हो बेटी, खाने के टाइम में तुम चाय के लिए पूछ रही हो? जी नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है सच में। अब मैं चाय पी लूंगा, चाय ले लूंगा। एक ऐसा जमाना आ गया है, हमारे जमाने में खाने के टाइम में चाय नहीं पी जाती थी। वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती है सुमन, तुम्हें जरूर पसंद आता, बहुत अच्छी लड़की है। इस घर में हम तीन रहते हैं, सुमन, मैं और सुमन का छोटा भाई ललित। आज ही सुबह बैंगलोर गया है एनसीसी के कैंप में। बीमारी की वजह से मैं सारा दिन घर में अकेला ही रहता हूँ। ललित को तो एनसीसी से फुर्सत ही नहीं मिलती। सुमन घर को बहुत अच्छी तरह से संभालती है। सुमन की बातों से मुझे हौसला मिलता है। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, एक छोटा भाई है ओम, और एक बहन है सुनीता। ओ सच है? थैंक यू। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आता हूं। सर चाय पीजिए ना। सर हिम्मत मत हारिए, भगवान पर भरोसा रखिए। सर मैंने जीवन में एक बात जान ली, भरोसे के सहारे बड़े से बड़ा दुख कट जाता है। भाई साहब। अरे नसीर, कहाँ चले गए थे तुम? ओम ने कहा तुम यहाँ आए भी और फिर 5 मिनट में चले भी गए। जी मुझे किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया था, ये आप सुनीता को दे दीजिएगा। ये क्या है? जी मुझे किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, मैं आज ही रात को निकल रहा हूँ। ये चिट्ठी आप सुनीता को दे दीजिए प्लीज। नसीर, सुनीता यहाँ इस हालत में पड़ी और तुम शहर से बाहर जा रहे हो, आखिर बात क्या है? वो मेरी एक फैमिली इमरजेंसी आ गई है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सब ठीक तो है ना? आप अपने आप को संभालिए, मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है सुनीता जल्दी ही ठीक हो जाएगी। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। एक फोन कर लेना नसीर। जी सुनो, कहाँ जा रहे हो? अब वो लखनऊ जा रहा हूं। जी सिगरेट पीने बाहर गया था? कुछ नहीं होगा सुनीता,
ठीक हो जाएगी मामा। मिस्टर कपूर, देखिए आपकी पेशेंट अब खतरे से बाहर है। मेरे ख्याल से तो आप लोग भी घर जाइए और सवेरे आप आकर उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर, एक बार ही उसको देख सकता। देखिए मेडिकली तो मैं आपको ये अलाउ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आप अगर इतनी जिद कर रहे हैं तो, लेकिन थोड़ी देर, एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर, ओके? थैंक यू। ठीक है।